ब्लैक होल का नाम हम कई सालों से सुन रहे हैं। इस साल भी विज्ञान जगत में ब्लैक होल खूब चर्चा में रहा। इसकी वजह भौतिकी यानी कि फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार ब्लैक होल के काम पर दिया जाना भी रहा। इस साल फिजिक्स में 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिए गए। ब्लैक होल से संबंधी कई अहम खोज भी हुई। मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर में संस्कृति मंत्रालय के द नोबेल प्राइज 2020 फिजिक्स अनरिवीलिंग द मिथिकल ब्लैक होल पर अपनी रिसर्च के दौरान राय चौधरी, जो कि एक विख्यात वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया कि बहुत सी विज्ञान फंतासी फिल्मों में ब्लैक होल को वैक्यूम क्लीनर की तरह पदार्थ को खींच लेने वाला बताया है, जो कि सच नहीं है। उन्होंने बताया कि अब तक विभिन्न समय के वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की बेहतर समझ विकसित करने में मदद की। उन्होंने ब्लैक होल के बारे में एक मिथक की मिसाल देते हुए बताया कि अगर हमारा सूर्य ब्लैक होल में बदल जाता है, तब भी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती रहेगी और सूर्य दूसरे ग्रहों को नहीं निकलेगा। बस केवल इतना ही होगा कि सूर्य से कोई प्रकाश नहीं आएगा और पृथ्वी बहुत ही ठंडी हो जाएगी, लेकिन तब भी वो सूरज का चक्कर लगाती रहेगी। राय चौधरी ने बताया कि सिंगुलैरिटी और इवेंट होराइजन ब्लैक होल के 2 मुख्य भाग हैं। सिंगुलैरिटी केंद्र में होती है, जहां भार केंद्रित होता है। हॉकिंस और पेनरोज ने सिंगुलैरिटी पर पहला रिसर्च पत्र लिखा था। सिंगुलैरिटी वो स्थान होता है जहां किसी खगोलीय पिंड का भार और ग्रेविटेशनल फील्ड सामान्य सापेक्षता के अनुसार अनंत यानी कि इन्फिनिटी हो जाती है। यहां पर स्पेस टाइम के सामान्य सिद्धांत नाकाम हो जाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे किसी ब्लैक होल के बारे में जानकारी हासिल की जाती है, जबकि उससे किसी तरह कोई प्रकाश तक नहीं आता है। साथ ही उन्होंने ये जानकारी भी दी कि ऑप्टिक्स की नई तकनीकों ने कैसे ब्लैक होल की तस्वीरें लेना तब संभव बनाया जब अंतरिक्ष की धूल के कारण उनके आसपास की चीजें देखना भी कितना मुश्किल होता है। इस साल नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को मिला, जिनमें से रोजर पेनरोज को उनके ब्लैक होल के निर्माण और सिद्धांतों के बीच संबंध की खोज के लिए चुना गया। वहीं एंड्रिया गेज और रेनहार्ड गेजल को हमारे गैलेक्सी के केंद्र में सुपरमासिव ब्लैक के केंद्र में की गई खोज के लिए चुना गया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।